हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जयबिंद मौर्य, कला शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय दिरांग, अरुणाचल प्रदेश से। दोस्तों, आज मैं आप लोग को TGT 2016 में जो नवोदय विद्यालय के लिए पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, 2016 में मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था, तो आइए दोस्तों, उसका जो हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट में पेपर आता है, आर्ट एजुकेशन के लिए जो पेपर आता है, उसे हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? दोस्तों, लेपिस लाजुली से नीला रंग बनता है। लेपिस लाजुली एक पत्थर होता है जो फारस से मंगाया जाता था, उससे नीला रंग प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट है, पोत है एक, क्या है? धरातली गुड़ है। पोत क्या है? एक धरातली गुड़। नेक्स्ट है, किस चित्रकार व छापाकार ने ऊंट श्रृंखला सृजित की, मतलब बनाई? तो यहाँ पे सोमनाथ होर ने बनाया था ये ऊंट श्रृंखला। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। गंगा अवतरण नामक उभार शिल्प स्थित है कहाँ है दोस्तों? महाबलीपुरम में। ये गंगा अवतरण कहाँ है? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे हैं? धनराज भगत लाहौर कला स्कूल से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है दोस्तों। धनराज भगत एक मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल स्कूल के कौन से कलाकार घनवाद से प्रभावित थे? दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में ये बंगाल स्कूल से लगभग पूछा जाता है, जिसमें घनवाद से जो प्रभावित थे वो कलाकार थे गगनेंद्रनाथ टैगोर, जो अवनींद्रनाथ के ये भाई थे। इन्होंने क्यूबिस स्टाइल में अपने चित्रों का निर्माण किया है। एक इनका चित्र एक है मजीशियन, गगनेंद्रनाथ टैगोर का है, जो टेम्परा टेक्निक में बना है, वाटर कलर ऑन पेपर से। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता है था? क्या उपयोग होता था दोस्तों? सजावट के लिए, उसका उपयोग सजावट के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सादृश्य रंग है? सादृश्य रंग, कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमें हिंदी में वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो वो इंग्लिश में इजी वे में दिया होता है। यहाँ पे एनालॉगस, एनालॉगस कलर दिया है, तो एनालॉगस में कलर में ये होता है एक समीपस्थ वर्ड, मतलब उसके पास के कौन से वर्ड, कौन से रंग होते हैं। जैसे पीला के जस्ट उससे मिलता जुलता कलर कौन सा है? नारंगी। तो उसी को वर्णचक्र में पास के रंग जो होते हैं वो एनालॉगस कलर होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? ग्रोक, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चित्रकार निशारदीन किस शैली से संबद्ध हैं? यहाँ पे दोस्तों साहेबदीन और निसारदीन दोनों ये राजस्थानी शैली से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है।
चुनार सैंडस्टोन, चुनार बलुआ पत्थर से, और ये गुप्ता पीरियड की मूर्ति है और 5th सेंचुरी AD में बनी है। नेक्स्ट है कंपनी शैल, चित्र शैली का विकास काल है 19वीं सदी, 19th सेंचुरी में उसका विकास हुआ था। शैलकृत मंदिर श्रृंखला 5 पांडव रथ कहाँ स्थित है? 5 पांडव रथ है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम तमिलनाडु। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया है? MF हुसैन। दोस्तों भारत के काफ़ी फेमस आर्टिस्ट MF हुसैन जिन्होंने जमीन पेंटिंग बनाई, इस पे इन्हें गोल्डन बेयर पुरस्कार मिला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? यहाँ पे नंदलाल बोस जो हैं वो बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दोस्तों गुलेर, गोवर्धन, कांगड़ा से जो संसार चंद संबंधित थे, बसोहली से अमृतपाल संबंधित थे, नूरपुर जगत सिंह। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंध? दोस्तों ये राजा रवि वर्मा ने बनाया था ऑयल कलर एंड कैनवास से। नेक्स्ट है पुस्तक बसोहली पेंटिंग किसने लिखी थी? MS रंधवा ने लिखी थी। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चित्र KK हैबर द्वारा चित्रित किया गया? मुर्गे की लड़ाई, ये काफ़ी फेमस है दोस्तों, हर एग्जाम में लगभग आता रहता है, मुर्गे की लड़ाई KK हैबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला में वेदी बंध शब्द निम्न में से किससे संबंधित? वेदी बंध जो है मंदिर स्थापत्य से संबंधित है दोस्तों। भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किया, किसने प्रचलित किया था? कृष्ण रेड्डी का एक चित्र बहुत फेमस है दोस्तों, वर्पूल कृष्ण रेड्डी, जिसको हिंदी में भंवर भी कहा जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। नेक्स्ट है पश्चिमी चालुक्यकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? आईहोल, पद्कल। आईहोल कहाँ है? कर्नाटक। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया? नाट्य शास्त्र में दोस्तों 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है, ये भरत मुनि के द्वारा है, लेकिन वहीं पे अगर हम अभिनव गुप्त के द्वारा बात करें तो वहाँ पे 9 रसों का उल्लेख होता है, और 9वां रस जो है वो शांत रस है, जिसकी खोज अभिनव गुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकार नैन सुख और माड़क किस परंपरागत चित्र शैली से संबद्ध है? गुलेर शैली के ये चित्रकार थे दोस्तों। राजस्थानी शैली की कौन सी शैली में शिकार विषय पर अधिक में चित्रण हुआ? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोटा शैली में अधिकतर शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भावभंगिमा है क्या है? अभय मुद्रा में वो भावभंगिमा है। फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है? फिरका शब्द दोस्तों, फिरका जो है वो पटना शैली में होता है, ये एक प्रकार का चित्रों का एल्बम होता था,
और मुगल शैली में भी इसे मुरक्का बोला जाता था, चित्रों के एल्बम को मुरक्का बोला जाता था। यहाँ फिरका जो है वो पटना शैली में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल क्रम के अनुसार गुफाओं का सही अनुक्रम पहचानिए। सबसे पहले भाजा गुफा है, उसके बाद कार्ले, बादामी, एलोरा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ए के आनंद कुमार स्वामी। ए के का फुल फॉर्म आनंद कैंटिस कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। कहाँ पे उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की थी? बोस्टन संग्रहालय यूएसए अमेरिका में। बोस्टन संग्रहालय वो लंदन में है। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण, योजन, इसका एक सूत्र है दोस्तों, उसे आप जरूर याद रखिए। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इत चित्र षडंगकम, जिसमें कला के छह अंगों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम पहचानिए। तो यहाँ पे दोस्तों मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, यहाँ पे ऑप्शन दो सही हो जाएगा। उसके बाद कौन कौन से अवतार हुए थे? वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। ये विष्णु जी के 10 अवतार हैं, इसीलिए उनको दशावतार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। फॉन्ट जो है वो टाइप का एक प्रकार है, रंगत जो है रंग है, पोत क्या है धरातली गुण, रूप क्या है अंतराल। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। रसराज किसने लिखा है? मतिराम ने। रसमंजरी के लेखक जो हैं वो भानुदत्त हैं। तिलक मंजरी धनपाल ने लिखा है। रसिक प्रिया के जो लेखक हैं वो केशवदास। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। निहाल चंद जो हैं वो किशनगढ़ शैली के कलाकार हैं। मोला राम जो हैं वो गढ़वाल शैली के हैं। साहिब राम मेवाड़ शैली के हैं और निसारदीन जयपुर शैली के। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दो सही था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस ने दोस्तों, 1938 में लगभग उन्होंने ये चित्रित किया था। और ये जो हरिपुरा पंडाल का जो सब्जेक्ट था वो ग्रामीण जीवन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग रसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? दोस्तों एक काफी अच्छी फिल्म है, राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? दस्तान ए अमीर हमजा, इसे हमजनामा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिव का विस्पान नामक कृति किसने चित्रित की? शिव का विस्पान यहां पे नंदलाल बोस ने चित्रित की। कोणार्क मंदिर कौन से पत्थर से निर्मित है? यहाँ पे दोस्तों ग्रे सैंडस्टोन, स्लेटी बलुआ पत्थर से, काफी फेमस है ये मंदिर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? खनिज रंग जो भूमि से प्राप्त रंग होते हैं, गेरू है, रामरज है, हिरौजी भी है, लेकिन हल्दी जो है वो खनिज रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें ये क्वेश्चन को हमने बताया है, यहाँ पे देखिए आया हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक उत्खनन। नेक्स्ट है, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया था? लोमस रिस की गुफा में। जो लोमस रिस की गुफा है ये मौर्य काल की है, काफी फेमस गुफा है ये। सचित्र ग्रंथ तारीखे खानदाने तैमूरिया किस संग्रहालय में? खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? स्तूप से। नेक्स्ट, पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? अजीत घोष। अगला क्वेश्चन, किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघुचित्र शैली में घराना शैली को पहचाना? बी एन गोस्वामी। नेक्स्ट है, द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित हैं कहाँ पे? भाजा गुफा में। अगला क्वेश्चन, यामिनी राय प्रेरित हुए थे कालीघाट चित्रशैली से? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सोन किरवा कीट पतंग किस लघु चित्र शैली में प्रयुक्त होता है? बसोहली शैली में। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किस से बना है? चूना पत्थर, लाइमस्टोन से बना है ये। मोहन जोदड़ो से प्राप्त मातृदेवी प्रतिमाएं निर्मित है किससे? मृद शिल्प से, टेराकोटा से। आप दोस्तों याद रखेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक चित्रकार जी आर संतोष जाने जाते हैं। जी आर संतोष का जो पूरा नाम है गुलाम रसूल संतोष, ये तंत्र कला से संबंधित है, तांत्रिक कलाकार है। हजार स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है ये? वारंगल में। सिरे पर्दू कास्टिंग की एक प्रक्रिया है, कांस की, ब्रॉन्ज की, ठीक है, एक धातु ढलाई की ये प्रक्रिया है सिरे पर्दू। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? बसावन और दसवंत जो हिंदू चित्रकार थे वो अकबर के समय के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है आहड़। नेक्स्ट है, किस चित्रकार ने आद्यक बिंदु को लेकर चित्रण किया? एस एच रजा, एस सैयद एच हैदर रजा, इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है, रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प है एलोरा गुफा में। रावणा शेकिंग माउंट कैलाश, जो इंग्लिश में इसे दिया हुआ है, ये गुफा नंबर 14 में है दोस्तों एलोरा के,
काफी इंपॉर्टेंट है। बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है, दक्कन शैली के रूप में, दक्कन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश मूर्ति नामक प्रतिमा निम्न में से किस छवि का प्रतिनिधित्व करती है? शिव का, महेश। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, कौन थे? निहाल चंद। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। इन्होंने भारतीय मोनालिसा पेंटिंग बनाई है जिसे हम राधा बनी ठनी कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है वो पेंटिंग। दोस्तों 1760 में बनी थी, राजा सावंत सिंह के समय। वो पेंटिंग जो है वो वाटर कलर ऑन पेपर में बनी है, टेम्परा टेक्निक है उसकी। नेक्स्ट है, जातक शब्द का प्रयोग हुआ है बुध के पूर्व जन्म हेतु। नेक्स्ट है, वात्स्यायन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? कामसूत्र, काफी फेमस पुस्तक है दोस्तों ये। नेक्स्ट, परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल का है? मौर्य काल का। नेक्स्ट, कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? ब्लैक पगोड़ा। इसे कोणार्क मंदिर को हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। छापा चित्रण में सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, क्या प्रयुक्त करते हैं दोस्तों? वैसलीन। नेक्स्ट, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए, अभिनव गुप्त। अगला क्वेश्चन है, शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया था? जॉन एलायस अनफेल्डर। शिला मुद्रण, इसको लिथोग्राफी, देखिए दोस्तों यहां पे दिया है लिथोग्राफी, ये जॉन एलायस अनफेल्डर ने किया था। पूर्णतया एकास्म शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण बताइए जो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया हो। तो ये कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, 16 नंबर की गुफा में, वो है एकाश शैल उत्कीर्ण का उदाहरण। ये काफी फेमस है दोस्तों और इसे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट है, सचित्र ग्रंथ चौर पंचासिका किस शैली का है? आरंभिक मेवाड़ शैली। दोस्तों आरंभिक मेवाड़ शैली, हाँ सही। और ये जो पुस्तक है चौर पंचासिका के लेखक कौन है? विल्हड़। नेक्स्ट, सतह से छन कर रंग कागज पर छाप डालते हैं, सेरीग्राफी उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मुगल लघु चित्रण में स्याह कलम तकनीक किसके समय प्रारंभ हुई? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, शाहजहां काल में। नेक्स्ट है, सिंह शीर्ष स्तंभ कहां से प्राप्त हुआ है? सारनाथ से, सिंह शीर्ष स्तंभ। नेक्स्ट, श्रम की विजय नामक मूर्त शिल्प स्थापित है, कहां स्थापित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका नई दिल्ली में, श्रम की विजय। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जयदेव। अगला क्वेश्चन है, डायमंड पॉइंट नीडल का प्रयोग होता है किसमें होता है? ड्राई पॉइंट में। अगला क्वेश्चन, बौद्ध सचित्र ग्रंथ को पहचानिए, प्रज्ञा पारमिता जो है ये बौद्ध ग्रंथ है पाल शैली का। अगला क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा ने किसकी सहायता से ऑलियोग्राफ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? जर्मन के सहायता से। नेक्स्ट है,
चित्त प्रसाद किसके लिए जाने जाते हैं? लीनोकट के लिए। चित्त प्रसाद लीनोकट के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों इस तरह से ये हमारा 80 क्वेश्चन, उस समय 80 क्वेश्चन आया हुआ था अपने सब्जेक्ट से, तो इसको हमने दोस्तों सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों इसे आप अच्छे से तैयार करें और इसे अपने नोटबुक में नोट करें, और जो भी आपको नहीं समझ में आता है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।